जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार के चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलने वाले, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूजन में हैं। पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर और दूसरी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, तो इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा सिंह, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू जबरदस्त जॉब वैकेंसी की अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है आपको चंडीगढ़ पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार की वैकेंसी की जो खास बात है कि वो ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इस पोस्ट पे सिलेक्शन होने के बाद आपको जबरदस्त सैलरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन। मींस कि आपको जो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलती है, वही सैलरी आपको इस पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद मिलने वाला है। आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट डेट क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्राइटेरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस बार के आपको जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है उसमें आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। फर्स्ट आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, सेकंड आपका कंप्यूटर नॉलेज की सर्टिफिकेट से रिलेटेड रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपको चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से आई है, बट इसमें ऑल इंडिया के जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 700 रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट किस तरह से बांटी गई है। आपको मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 393 टोटल सीट रहने वाला है, फीमेल्स के लिए 223 सीट्स रहेगा, एक सर्विस मैन के लिए आपका 84 सीट्स रखा जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो ये फॉर्म ऑलरेडी आउट हो रखा है। ये फॉर्म आपको 1 जून से अप्लाई हो रहा है और इसके लिए लास्ट डेट आपका 22 जून रखा गया है। सो आपको 22 जून का वेट नहीं करना है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके आप 22 के पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। एज लिमिट की बात करूँ फ्रेंड्स तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपका मिनिमम 18 ईयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स देखने को मिल जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स का आपका मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रहने वाला है। एससी वालों के लिए ये मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर्स देखने को मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स तो आपको 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ मेल कैंडिडेट्स को जो है वो आपको लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, और वो ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे जिनका कि लास्ट डेट के पहले पहले ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका होगा। तो ये आपका एक मैंडेटरी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करेंगे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट के बारे में। आपके मन में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्यूटर की सर्टिफिकेट चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियरली बता दूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दोनों सेम ही चीज़ होता है। जैसे अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो उसे हम लोग डिप्लोमा कहते हैं, और अगर आपने कोई कंप्यूटर नॉलेज का कोर्स किया है, जैसे कि 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ का कोर्स कर रखा है, जैसे DCA, ADC और टैली, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिला होगा फ्रेंड्स। तो ये सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना होगा।
तो फाइनली फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इसमें आपको सिलेक्शन जो है वो 3 मेजर स्टेजेस पे आपको डिपेंडेबल है। फर्स्ट आपका रिटन एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, जो कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। मीन्स कि अभी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया कि एग्ज़ाम जो है वो किस आपको मीडियम से लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड या OMR बेस्ड। सेकेंड आपका PE एंड MT टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका रनिंग साथ ही साथ लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट हाइट, वेट सब कुछ ही मेजरमेंट किया जाएगा। स्टेज थर्ड के लिए फ्रेंड आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है फ्रेंड्स, वो आपका 100 क्वेश्चंस रहता है, 100 मार्क का, और आपका 1 आवर 45 मिनट्स की ये पेपर होती है। इसमें आपको फ्रेंड्स 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जनरल नॉलेज या करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका लैंग्वेज स्किल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी क्लियर नहीं किया गया है, और फ्रेंड्स आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगा। पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था फ्रेंड्स, वो इससे काफ़ी अलग था। उसमें आपको GK के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे और मैथ के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इस बार का जो आपको लैंग्वेज स्किल्स की सेक्शन भी ऐड कर दी गई है, और नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम सिलेबस की कोई भी डिटेल को नहीं बताया गया है। ये नहीं पता फ्रेंड्स कि आपका लैंग्वेज जो है इंग्लिश होगा, हिंदी होगा या पंजाबी होगा। फ्रेंड्स जो भी लैंग्वेज हो, बट आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहना। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी फ्रेंड्स, वो आपको इंग्लिश और पंजाबी में भी हो सकती है, हिंदी और पंजाबी में भी हो सकती है। तो आप अभी से जो है इंग्लिश हिंदी सबकी तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम के बाद आपकी इनिशियल कट ऑफ बनेगी, जो डिसाइड करेगा कि आप PST के लिए क्वालिफाई हो या नहीं। ये कट ऑफ जो है फ्रेंड्स, वो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 टाइम्स बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, रनिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट को आपको 1600 मीटर की रनिंग है, आपको 6 मिनट एंड 15 सेकेंड में आपको ये कंप्लीट करना है। फीमेल कैटेगरी वालों के लिए 800 मीटर की रनिंग आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.95 मीटर का रहेगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 2.75 मीटर का लॉन्ग जंप रहेगा। हाई जंप की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मेल कैटेगरी वालों को 1.14 मीटर का आपका हाई जंप रहेगा, वही फीमेल कैटेगरी वालों के लिए 0.90 मीटर की हाई जंप रहेगी। हाइट आपको मेल के लिए मिनिमम आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वही फीमेल्स का आपको 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपको जो है मेल कैंडिडेट्स का 84 to 88 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपको फिजिकल के रिगार्डिंग। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपको जो इनिशियली इनहैंड सैलरी दी जाएगी वो आपका 34,000 का रहता है, और आपको पर ईयर एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो फिर अच्छे खासे प्रोमोशंस और इंक्रीमेंट के बाद आपका 74,000 तक के सैलरी जाता है। जॉब की लोकेशन आपको चंडीगढ़ में रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कम्प्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हो। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपका कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी क्वेरीज एंड डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट्स सबसे पहले आपके पास जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन न्यू जॉब अपडेट्स की वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि उनको भी टाइम टाइम पर पता चलते रहे न्यू जॉब अपडेट के बारे में। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।